अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हारे पे बिल्कुल खरोच नहीं होगी। हारे को देख के कहीं बहुत दूर चले जाऊं। हारे और हारे बापू की यादों के साथ में मेरी जिंदगी खुशी खुशी जी सकती हूँ। भाभी सर, ये क्या कर रही हैं आप? भाभी सर, रुक जाइए। अरे किसी ने तो आप लो, ये वाला आपका और ये वाला टूट जाएगा। तमाशा लगा रखा है ये। वंश, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, अबीर के बच्चे की मौत की वजह से भाभी साहब को बहुत बड़ा झटका लगा है। हमें लगता है उनका मानसिक संतुलन वो खो बैठी है। अब जरा देखिए इन्हें क्या कर सकते हैं। आओ, सुखराम, आओ, पकड़ो इन्हें। स्टैचू। आप कब दौड़ोगे? मैं पकड़ूं? हम भी तो पकड़ेंगे। और तुम दोनों बाकी सबको पकड़ो। अरे बोला ना, पकड़ो इनको। अरे अरे छोड़ो हमें, क्या हो रहा है ये? क्या पागलपन है तुम्हारा? ये क्या बदतमीजी है? हमें घर से बाहर निकालोगे? पागल हो गए हो? ये तो हुआ तेरी बदतमीजी का जवाब। अब सुनो तुम्हारे सवाल का जवाब। तुम लोगों को इस घर से इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि सीधे सीधे तो तुम यहां से जाने वाले हो नहीं, तो जबरदस्ती करके निकालना पड़ेगा। क्या श्वासी? सुनो, अगर हमें छोड़ देते हो ना तो वो जो चॉकलेट हमें मिलती है ना, आधा आधा कर लेंगे। प्रॉमिस, शेयर कर लेंगे। छोटू, बंद करो अपना नाटक और दफा हो जाओ यहां से। काट, निकालो इनको। अरे वाह, देख तूने और मैंने एक जैसा टैटू बनवाया है। अब हम इसकी डोर से बन गए हैं। ये हमारे परिवार की निशानी है। पता है अब लोग क्या कहेंगे? जैसा बाप वैसा बेटा। ये आप रखिए, आप हमारे बच्चे को बनाइएगा। पता है, मैंने बन्ना सा को वादा किया था कि वो चेन मैं थारे को जरूर पहनाऊंगी। बन्ना सा का दिया आशीर्वाद उनकी विरासत है, थारे लिए तोहफा है। थारे को वो चेन वापस लानी होगी। इसके लिए हमारे को हवेली में जाना होगा। वंश, ये नाटक नहीं कर रही है, और आप हमें अपने घर से क्यों निकाल रहे हैं? तुम्हारा घर मेरा घर। इस हवेली का मालिक मैं हूं। वंश, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं? आप लोगों के साथ इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। और ये हवेली मेरी है, जिसको चाहूं रखूं, जिसको चाहूं निकालूं। और तुम जैसे हेरेगोरों को मुझे यहाँ पे नहीं रखना है, समझ में आया? क-
निकाल देखो इन सबको यहाँ से। चोरिया में पांचे क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो। ओ भैया रोको रोको ना इनको। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो। परी हो? आसमान से आई हो हमें बचाने के लिए? देखो ना परी दीदी, वो जो दड़ियल खड़ूस अंकल है ना, उन्होंने कहा हम यहाँ नहीं रह सकते, बाहर फेंकने के लिए कहा। रोको ना, हमें नहीं जाना। डॉक्टर आपको क्या हुआ? दीदी तुम्हारे बच्चे के मरने के गम में भाभी सब पागल हो गई है, और ये वंश, इस वंश को पता नहीं कौन सा भूत सवार हुआ है कि हम सबको इस हवेली से निकालना चाहता है। डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? विधि, तुम इस सबके बीच हो मत पड़ो। मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, ये लोग इसी लायक हैं। और शुक्र है कि मैं इनको सिर्फ घर से बाहर फेंक रहा हूँ, इन लोगों के साथ तो ना और भी बुरा सलूक होना चाहिए। और ये डॉक्टर तोमर, इनके बहकावे में मत आना, फिर से अपने किसी स्वार्थ के लिए ना नया ढोंग रच रही है, बस और कुछ नहीं है। ये ढोंग कर रही है? अरे एक बार उनकी हालत देखिए, सब कुछ खोया, अपना बेटा। अब तो डॉक्टर है ना, तो एक बार आप चेक करके बताइए कि ये नाटक कर रही है, सच में इन्हें कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, चेक कीजिए। ठीक है, अभी इनका भांडा फोड़ देता हूँ। तोमर कौन है? यही है ना, तुम्हारी जिंदगी भर की पूंजी, इसी को कमाने के लिए ना जाने कितने झूठ कितने फरेब क्या क्या नहीं किया। पैसा, जेवर। डॉक्टर साहब, बात सिर्फ डॉक्टर हुकुम के सच पता लगाने की हुई थी, बस वही कर रहा हूँ। तुम इधर आओ। हाँ तुम, तुम्हें इस घर में रहना है? हाँ, हमें रहना है इस बड़ी हवेली में। यहाँ पे ना हम चोर पुलिस खेल सकते, और अगर आप हमें रहने दोगे तो हम आपको पुलिस बनने का मौका देंगे। तो फिर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या? ये जो सामान पड़ा हुआ है ना नीचे, ये पैसे, ये सब कुछ, इसमें आग लगा दो।